50 के दशक के बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता देवानंद रहे, जिन्होंने फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से सभी लोगों का मनोरंजन किया और अपने अभिनय से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता। साथ ही यह अपने डायलॉग बोलने के साथ गर्दन टेढ़ी करने की वजह से भी काफी मशहूर थे। फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए रोमांटिक किरदार और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए आज भी दिग्गज अभिनेता को याद किया जाता है। लेकिन आप इनके बारे में तो सब जानते होंगे, पर क्या आप इनकी बेटी के बारे में जानते हैं कि वह कौन है, क्या करती हैं और कैसे दिखती हैं? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता देवानंद का जन्म 26 जनवरी साल 1923 में गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। इनका पूरा नाम धर्मदेवत किशोरीमल आनंद था। इन्होंने अपनी पढ़ाई भी यहीं से पूरी की थी। वहीं बात करें इनके फिल्मी करियर की, तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1946 में आई फिल्म हम एक हैं में से की। इस फिल्म में इनके अभिनय को काफी ज्यादा सराहा गया, जिसके बाद साल 1948 में आई फिल्म जिद्दी में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। इस फिल्म में इनके अभिनय को बेहद पसंद किया, जिसके साथ देवानंद काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी सारी बेहतरीन फिल्मों से नवाजा है, जिनमें मधुबाला, बाजी, काला पानी, गाइड, हरे राम हरे कृष्णा और लूटमार जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों को लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया। बात करें इनकी खूबसूरत बेटी के बारे में, तो उनका नाम देविका आनंद है, जो दिखने में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है। देविका आनंद काफी खूबसूरत और गॉर्जियस हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि देविका ने हरजिंदर पाल सिंह देओल से शादी कर ली थी और एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। आखिर में हम आपको बताते चलें कि 88 साल की उम्र में देवानंद को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आपको देवानंद की खूबसूरत बेटी के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।